जी, सबसे पहली चीज जो है आपकी लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा का जो चैप्टर है आप लोगों का, बिल्कुल भी ये नहीं समझेगा कि एस जैसा ही होगा। ये इसमें पूरा पेपर वन के अंदर आपका पेपर लॉजिक गेट्स जो है बिल्कुल एक तरीके से ओ लेवल्स वाला ही है। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो हम लोगों ने पढ़नी पड़े ए लेवल्स के अंदर, ए वन के अंदर। लेकिन ए टू में बिल्कुल ही अलग चीज़ें, बूलियन अलजेब्रा, अलग अलग लॉजिक सर्किट्स हैं जो कि आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आगे जाके पूरे इनका ना आगे और इन डेप्थ में पढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एडर्स। आज कोशिश करके हाफ एडर और फुल एडर खत्म कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास फिर बूलियन अलजेब्रा की होगी, फिर उससे अगली क्लास आपकी करनौफ मैप की है, एक क्लास उसके लिए चाहिए मुझे, फिर फ्लिप फ्लॉप से, और वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। चार क्लासेस के अंदर सुकून है, कोई जल्दी नहीं, आज क्लास में छोटी ही रखूंगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं। तो एडर्स में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ समझनी है कि एडर्स होते क्या हैं। एडर्स बेसिकली एक लॉजिक सर्किट का नाम है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसको जल्दी से लिख लो। It is used in electronics. Basically, काम क्या है इसका? नाम से अगर सिर्फ नाम से ही समझने की कोशिश करें, एड्रेस का मतलब है, अगर हम एड्रेस से ही कुछ एक्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे वर्ड एड का इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग कोई भी 2 बिट्स या 3 बिट्स ऐड कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले चीज़ इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल बेसिक इसकी समझ लें, डिजिटल सर्किट। परफॉर्म्स एडिशन ऑफ नंबर्स। तो ये एड्रेस बेसिकली जो लॉजिक सर्किट्स हैं या आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वो है, आपके आगे जाके ना यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हैं अगर आप लोग लेते हैं ये वाली फील्ड, तो इसमें आप लोगों को ये सब चीजें होंगी कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो सब चीज़ें। बेसिकली जो ये एडर्स के जो लॉजिक सर्किट्स हैं ये आप लोगों के ए एल यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ए एल यू। अच्छा, ये ए एल यू क्या है एमर? पता ए एल यू क्या है, नहीं, क्या हो गया, ये नहीं पढ़ा क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। मैं सिंपल वाला पढ़ा था कि मतलब ये एंड गेट होता है, नॉर होता है, कौन सी वैल्यू क्या बन के निकलती है, ये सब पढ़ा था ये बस। लॉजिक गेट्स का है ही नहीं। एएलयू बेसिकली क्या है, हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोसेसर के अंदर पढ़ते हैं कि एएलयू जो है उसका काम क्या होता है, सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जितने भी हो रहे होते हैं वो एएलयू के अंदर हो रहे होते हैं। समझ आई? ये प्रोसेसर का चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली क्या है, एड्रेस जितने भी होते हैं वो एएलयू के अंदर मौजूद होते हैं। एएलयू क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया रीजन जहाँ पे सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी मैथ से रिलेटेड काम है वो सब एएलयू के अंदर हो रहा होता है। तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एड्रेस। अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूँ तुम लोगों को, यहाँ पे देखते हैं, दो निबल्स हैं। निबल्स क्या होते हैं, 4 बिट्स के डाटा, 0 1 1 0 0 1 1 1। अभी हम बिल्कुल बेसिक एडिशन देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूँ इस 0 और 1 को ऐड करना है,
ओनली टू बिट्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ 0 और 1 को ऐड करना है, 0 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आंसर आते हैं मेरे पास? अहमद। करवाना आता है। वन आता है ना, और कैरी कोई आएगा इसमें? मेरी थोड़ी आएगा। ये आ गया आपका 1 और कैरी कोई भी नहीं आया। अब 1 1 में क्या होगा? 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 आएगा और एक 1 कैरी होगा। 1 प्लस 1 क्या होता है? वन प्लस वन जो है वो आपका बेसिकली 0 होता है और 1 कैरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको वैसे सीखें तो 1 और 1 बेसिकली क्या बनता है? 2 बनता है, और 2 जो है वो हम लोग की रिप्रेजेंटेशन होती है 10 की बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो ये बेसिकली 10 बन रहा होता है, ऐसे 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा सम आ गया। नीचे की तरफ हमारे पास 2 चीज़ें आ रही होती हैं जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं? हमारे पास एक 1 आ रहा होता है, विच इज आवर सम। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली 0 कैरी हुआ है ना। अगर हम लोग इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें, जब 0 1 को ऐड किया हमने तो 1 आया, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे 0 कैरी हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कैरी। सही है। इस 1 को भी हम कहेंगे कैरी। बस बेसिक चीज जो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से समझनी है वो ये है, जब भी हम 2 बिट्स को ऐड कर रहे होते हैं हमारे पास 2 चीजें आ रही होती हैं। क्या आ रहा होता है? एक सम और एक कैरी। यहां तक क्लियर है? जी अच्छा, जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं 2 बिट्स की, तो हमारे पास एक सम आ रहा होता है और एक कैरी आ रहा होता है। अब जल्दी से इसको लिखो, नोट्स बनाओ। If we are adding only 2 bits, then we use half adder if we are adding leave it slash multiple bits. Then we use full adder. अच्छा, ये पॉइंट जो है अभी समझ नहीं आएगा। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग बस, मैं एक ओवरऑल तुम लोग को व्यू बता रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग करेंगे क्या हाफ एडर और फुल एडर का। सिर्फ एक ओवरऑल होते क्या है, जो हाफ एडर ऐसी लॉजिक, ऐसा लॉजिक सर्किट है जो बेसिकली सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर सकता है। जैसे ये 0 और 1 को ऐड कर दिया उसने, हाफ एडर ऐसे वो होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फुल एडर की, फुल एडर जो है वो 3 बिट्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 और इस एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, 1 और 1, अब मुझे अगर इसको ऐड करना है 1 और 1, लेकिन एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? पिछली कैरी को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हाफ एडर ये नहीं कर सकता। हाफ एडर सिर्फ 2 इनपुट्स लेता है, जो कि आपका ए और बी का होगा इनपुट, और उसके बाद कैरी को इग्नोर कर देगा। समझ आई? 1 1 उसमें आंसर क्या दे देना है? 0 और 1 कैरी हो जाएगा, जबकि आंसर ये नहीं आना चाहिए। आंसर आना चाहिए 11। 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा। तो बेसिक जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम सिर्फ 2 बिट्स की एडिशन कर रहे होंगे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाफ एडर। अगर हम 3 बिट्स की एडिशन, मतलब कैरी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फुल एडर। लेकिन हमेशा याद रखो कि 2 बिट्स का मतलब है सिर्फ 0 और 1, ये नहीं कि ये पूरा एक हाफ एडर पूरे निबल को ऐड कर सकता है। निबल क्या होते हैं? 4 बिट्स, 1 2 3 4, 4 बिट्स को हम लोग एक निबल कहते हैं। सही है। तो हाफ एडर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? सिर्फ 2 बिट्स ऐड करता है। अब मुझे ये वाली बिट्स को ऐड करवाना है तो मैं कोई और हाफ एडर इस्तेमाल करूंगा। समझ गई? मतलब इनके ग्रुप्स बना के
हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं हाफ एडियर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। हाफ एडर एडिशन ऑफ टू बिट्स, एडिशन ऑफ टू बिट्स। अच्छा, वो आपसे क्या सवाल कैसे कर सकता है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि आउटपुट पे सम कहाँ है और कैरी कहाँ है, सबसे पहली चीज। और सवाल इसका आ सकता है आपका कि आपको हाफ एडर बनाने आने चाहिए, कि बनते कैसे हैं, फुल एडर आपको बनाना आना चाहिए, इसकी ट्रुथ टेबल आप लोगों को पूरी आनी चाहिए कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, और उसके लिए आप लोगों को बेसिक एडिशन, बाइनरी एडिशन आनी चाहिए, और बस यही इसके सवाल बन सकते हैं, ज़्यादा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके सवाल भी अभी देख लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसकी समझते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये आ गई आपकी हाफ एडर। हम लोगों ने एक चीज समझी है कि इसके अंदर दो इनपुट होते हैं, हाफ एडर के अंदर हमेशा दो इनपुट होते हैं। दो इनपुट और दो आउटपुट। दो आउटपुट कौन कौन से, एक सम होगा और एक कैरी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो चीज हम लोगों ने कंसिडर करनी है वो क्या है कि हाफ एडर जो है वो कैरी को ऐड नहीं करता। हाफ एडर विल नॉट ऐड कैरी, सही। फिर समझो, हाफ एडर क्या है, एक लॉजिक सर्किट है जो कि दो इनपुट लेगा, ए और बी की वैल्यूज, और वो हमें दो आउटपुट देगा, एक सम और एक कैरी। कौन सा सम, एक ये वाला सम देगा और एक ये कैरी देगा। जैसे जीरो और वन उसने इनपुट लिया, हमें उसने आउटपुट दे दिया वन और जीरो, सही है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊँ, अगर ए के अंदर वैल्यू है हमारी जीरो, बी के अंदर वैल्यू है हमारी वन, ये हाफ एडर के अंदर से प्रोसेस हुई, और हमारे पास सम में क्या आया, हमारे पास सम में आया वन आउटपुट, और कैरी के अंदर हमारे पास क्या आया, जीरो। ऐसे बेसिकली काम कर रहा होता है ये, ए और बी के अंदर जीरो और वन इनपुट गए, और उसने क्या किया, जीरो वन को ऐड किया, उसका सम यहाँ पे लिख दिया सम के साथ, कैरी उसने यहाँ लिख दिया कैरी के साथ, सही है। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। टेबल ऑफ हाफ एडर,
एक दो तीन चार। सर बोलो। कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये बनाना है ना? हाँ, ये बनाना। बना रहा हूँ। यहाँ तक बन गया तो बता देना मुझे। यहाँ तक बन गया। जी सर। अच्छा, मुझे सबसे पहला स्टेप बताना कि हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, टेबल अगर कोई फिल करनी होती है हमें। याद है? सही सर। मैं कह रहा हूँ तो टेबल जब हम लोग फिल कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? पहले तो हमें वैल्यूज डाल ली ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जितने भी इनपुट्स होते हैं उनकी हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, 2 रेस टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ इनपुट्स। कितने इनपुट्स हैं? ए और बी, दो इनपुट हैं। n इज इक्वल्स टू 2, 2 raised to the power 2, which is equals to 4. तो अब ये हमारे पास क्या है, चार पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये पहले 2 0 आ गए, फिर 2 1 आए, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा जब भी आप आपका ट्रुथ टेबल को फिल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखना है सम और कैरी। अब मुझे अहमद जवाब देते रहना, 0 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सम क्या था और कैरी क्या था? कौन सा कलर? हाँ, अब जवाब देना मुझे इसका, 0 प्लस 0 क्या होता है और इसका सम और कैरी क्या आएगा? 0 0 सम 0 ही होगा। 0 0 होगा और कैरी क्या आएगा? होगा। कैरी क्या आएगा? 0 ही होगा। 0 ही होगा। और 0 1 को ऐड करूं तो सम क्या आएगा और कैरी क्या आएगा? सम फिर 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। और 1 और 0 को ऐड करूं तो सम क्या आएगा दोबारा कैरी? सेम ही आएगा। 1 0 दोबारा ही आएगा।
और अगर वन और वन को ऐड करूं तो क्या आएगा? जीरो वन जीरो वन सही है, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं आराम से, 2 या 3 मार्क्स इसके मिल जाते हैं, सिर्फ यही काम करना है। आपने क्या किया, ए और बी की भी वैल्यूज वो दे देता है, लेकिन अगर नहीं देता तो आप लोगों ने इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी है, और 0011 0101 और फिर ऐसे करके सम और कैरी ऐड कर लेना है। सही है, बहुत आसान है, मुफ्ते के मार्क्स हैं इसके। अगर अब वो कहता है आपसे कि आप इसका लॉजिक सर्किट बनाएं, सही है, तो मैं एक काम करता हूँ कि देना मुझे, आप लोग एक ना ड्रॉ करने के बजाय एक इमेज खोल के दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे वो आप कहे कि आप लोगों ने हाफ एडर को ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे? ये डायग्राम है, एक जोर गेट और एक एंड गेट। जोर गेट में से जो भी निकल रहा होगा वो हमेशा हमें सम देगा, और जो कि एंड गेट से निकल रहा होगा वो हमें कैरी देगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, समझ लो, याद कर लो कि हमेशा जो जोर गेट में से निकल रहा होगा आउटपुट वो हमेशा सम देगा, और जो एंड गेट में से निकल रहा होगा वो हमेशा कैरी देगा। सही है, अब ये अलग अलग गेट से भी बनेगा, तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करना कि सम कौन सा होगा कैरी कौन सा होगा। सही है, वो आगे जाके मैंने एक उसकी वो भी लिखवाई हुई है की के तौर पे ना, कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, और आराम से हो जाता है, ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा आप देख लो इसको, स्टडी कर लो, एक दफ़ा अपने पास बना लो इसको, कि हाफ एडर के जो सर्किट बेसिकली क्या होता है, ए और बी जो है दो इनपुट्स हैं, जिसमें से आपका एक जॉर गेट कनेक्टेड है, और उस ही ए और बी के इनपुट से एक आपका एंड गेट कनेक्ट होता है, जो कि आप लोगों को कैरी दे रहा होता है। सही है, जॉर गेट हमेशा आपको सम करके देता है, और एंड गेट जो है हमेशा आपको वो कैरी करके देगा। इसको जल्दी से बना लो अपने पास, जब बना लेना मुझे मैसेज बता देना ताकि मैं आगे बढ़ूं। सही, इसमें इनपुट्स क्या है? इनपुट्स क्या है? ए और बी हमारे इनपुट्स हैं। ए और बी की क्या वैल्यू है? तो ए और बी इनपुट से मतलब क्या होता है, ए और बी के अंदर ना कोई वैल्यूज आएंगे, या तो जीरो या तो वन। बोलो फिर। देखो ए और बी के अंदर वैल्यूज आएंगी, जैसे जीरो और वन, जैसे हम लोग ये एडिशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे जीरो और जीरो, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जीरो यहाँ तो ये पर बनाना है बस, हाँ सॉल्व बस, तो नहीं करना ना कुछ कुछ भी नहीं करना होता इसमें आपको। आपको क्या करना होता है, अगर वो आपसे सवाल ये करेगा कि आपको हाफ एडर ड्रॉ करना है, तो आप ये सर्किट बना देंगे, और अगर वो आपसे कैसे ट्रिविल फिल करनी है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसको लॉजिक गेट के थ्रू भी नहीं करना कि आप इन्हें जोर गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एंड गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं करना आपने। आपने बेसिक क्या करना है, जीरो जीरो ऐड किया और उसका कैरी लिख दिया, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है। मैं अगर तुम्हें सवाल दिखाऊँ उसका, कोलाइडर का था ये देखो, अब देखो इसमें जो मुझे पहले बताओ कि सवाल कर रहे हैं, स्टेट द नेम गिवन टू दिस लॉजिक सर्किट, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग ऐसे लॉजिक सर्किट को? तो हम नीचे लिख दिया हाफ एडर नाम देते हैं भाई इसको। और अगर अब मैं कहूँ अहमर मुझे ये बताना कि इसमें से बी सम है या ए सम है, दो आउटपुट आ रहे हैं ना हमारे पास, इनमें से सम कौन सा है और इनमें से कैरी कौन सा है? अहमर
जी सर, कह रहा हूँ कि इसमें से सम कौन सा और कैरी कौन सा है, बी सम है या ए सम है? ए सम आओ वापस आओ तुम अपने नोट्स की तरफ। अभी आप कहते कि गेट्स वगैरह नहीं देखने। मुझे तुम इसमें से बताओ, आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको। सबसे पहला काम कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सम कौन सा है और कैरी कौन सा है। सही, मतलब सम की वैल्यू तुम उसी गेट के नीचे लिखोगे ना, आउटपुट के नीचे लिखोगे। तो सबसे पहले काम क्या है, आइडेंटिफाई करना। अब मुझे इसमें से देख के बताओ, एंड गेट के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, कैरी आ रहा है, और जोर गेट के साथ कैरी क्या आ रहा है हमारे पास, सम। ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा जोर गेट है, ये ऊपर वाला, ये जोर गेट हो गया और ये हमारा एंड गेट हो गया। तो एंड गेट के साथ हमेशा कैरी, जोर गेट के साथ हमेशा सम। अब इसको वापस से पास पेपर की तरफ आते हैं। इसके अंदर से आप आइडेंटिफाई करो, ए कैरी है या बी कैरी है, मतलब इनमें से क्या क्या है। कैरी है, बी समय ए कैरी हो गया, बी सम हो गया। सही है, हमने यहाँ पे भी लिख लिया, ये एस है, ये हमारा सी है। अब वो कह रहा है कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस लॉजिक सर्किट। अभी हम लोगों ने फिल करना सीखी थी कि 0 0 को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास सम के अंदर। जीरो और जीरो को ऐड करते हैं तो सम के अंदर वैल्यू क्या आएगी। हाँ भाई, बुझाता है भाई, हेलो। जीरो कह रहा हूँ जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो सम के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जीरो आएगी आएगी। और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बी के नीचे या ए के नीचे। बी बी के नीचे। के नीचे आ गया जीरो और यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब जीरो और वन को ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी सम की, जीरो। जीरो और लिखेंगे कहाँ, वन, जीरो और वन को ऐड करेंगे तो सम वन आएगा सर, सम वन आएगा। सम वन आएगा और कैरी जीरो जीरो हो गया। फिर फिर दोबारा सेम होगा, जीरो वन 1 0 और फिर वन वन को वन ऐड करेंगे तो कैरी अब कैरी के नीचे वन और सम के 0 0। इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपसे कह रहा है नेम द लेबल यूजुअली गिवन, नेम द लेबल्स यूजुअली गिवन टू ए एंड बी। मतलब वो बेसिकली आपसे सवाल कर रहा है, लेबल ए क्या है उसका हमने नाम दे दिया कैरी, लेबल बी क्या है उसका हमने नाम दे दिया सम। सही है, वापस आते हैं अपने नोट्स की तरफ। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि हाफ एडर के अंदर इशू क्या आ रहा है। प्रॉब्लम इन हाफ एडर, अच्छा जी, हाफ एडर के अंदर इश्यू क्या आ रहा है हमारे पास। हम लोग जब भी एडिशन कर रहे होते हैं तो हम लोगों को कैरी को भी ऐड करना पड़ता है ताकि आंसर हमारा सही आए। लेकिन हाफ एडर हमेशा क्या करता है, सिर्फ दो ही इनपुट्स लेता है और कभी भी कैरी को कंसिडर नहीं करेगा। सही है, ऊपर हम लोगों ने इसको समझा था यहाँ पे कि हमेशा कैरी को कंसिडर नहीं करेगा। इस वन को जो कैरी आया है इसको ऐड नहीं करेगा, सिर्फ नीचे वाले वन और ए और बी के वन को ऐड करेगा और ऐसे ही मूव ऑन कर जाएगा। सही है, लेकिन हम लोगों को एडिशन के अंदर अगर मुझे ये निबल को ऐड करवाना है तो मुझे कैरी को तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फुल एडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी प्रॉब्लम लिख लो। बेसिकली वी हैव टू कंसिडर कैरी एडिंग
तो दैट्स नॉट पॉसिबल. हाफ एडर, हाफ एडर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि कैरी को कंसिडर करें. तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज फुल एडर्स. अच्छा, सबसे पहली चीज मैं बिल्कुल बेसिक अगर समझाऊं कि फुल एडर्स होते क्या हैं. फुल एडर्स बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ एडर्स. एक हाफ एडर दूसरे हाफ एडर से कनेक्ट हुआ हुआ है, फिर वो हाफ एडर तीसरे हाफ एडर से कनेक्ट हुआ हुआ है, फिर वो हाफ एडर एक और हाफ एडर से कनेक्ट हुआ हुआ है. ग्रुप्स ऑफ हाफ एडर्स को हम लोग कहते हैं फुल एडर्स. सही है. अब इसकी अगर मैं समझाऊं तुम्हें कि पहले तो हेडिंग दे दो फुल एडर्स की. अच्छा, एड्स 3 बिट्स नॉट एबल टू एड कंप्लीट निबल. अब अगर मुझे कंप्लीट निबल को ऐड करना है तो मुझे ग्रुप्स ऑफ फुल एडर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा. सही. सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम जो होती है ना, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए होती है, कभी आपसे इसके बारे में सवाल नहीं करेगा. कर भी देता आप लोगों को आनी चाहिए. ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए होती है कि बेसिकली हो क्या रहा है. इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर होते हैं आपके तीन इनपुट्स. इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू, इनपुट नंबर और ये आउटपुट जो देगा ना, वो हमेशा कितने देगा? दो चीजें आउटपुट देगा, सम और कैरी. बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे हम लोग हाफ एडर के अंदर कर रहे थे. आउटपुट कितने देगा? दो देगा. एक हमारा सम और एक हमारा कैरी. यहाँ पे लिख लो सम और कैरी. ये आ गया आपका फुल एडर. अब समझते हैं फुल एडर बेसिकली है क्या. फुल एडर जो है आपका तीन इनपुट्स ले रहा होता है, ए बी और सी. सी क्या है हमारा? तीसरा इनपुट किस चीज का? कैरी इन. मतलब जो हम लोगों ने पुरानी वाली एडिशन की थी, जैसे इसके अंदर अगर देखो, इस एग्जांपल के अंदर देखो, पुरानी वाली एडिशन क्या थी? वन और वन. इसमें
ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या क्या मिला, 10 मिला। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका जो वन हमारा कैरी जा रहा है हम लोगों ने उसको लिया। अच्छा मुझे एक सेकंड देना, हाँ इसमें हमने क्या करना है, ये जो तीसरा कैरी आया ना ये मेरे पास कहाँ से आया, इन दोनों की एडिशन से, वन और वन की एडिशन से, पुरानी वाली एडिशन से ये मेरे पास वन आया। ये बेसिकली मेरा कहलाएगा कैरी इन, मतलब अब मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँगा। तो जो तीसरा इनपुट होता है ना मेरा, ए और बी जो है वो नॉर्मल वैल्यूज है, सी जो है मेरा कैरी इन होता है, मतलब जो पुरानी कैलकुलेशन से मेरे पास कैरी आ रहा था। चलिए अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं आपसे, टेबल और फुल एडर, अच्छा जी ट्रुथ टेबल और फुल एडर की बात करते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ड्रॉ कर लेना है हमें। ओके सर, इसको गौर से समझना क्योंकि मैं भी इसका तुम्हें सवाल दूंगा, वो तुमने खुद सॉल्व करके देना। तो ये अगर हम बात करें यहां तक बन गया, जी सही हो गया। अगर हम बात करें ट्रुथ ट्रुथ टेबल की तो इसके अंदर कितने इनपुट हैं, एक दो और तीन इनपुट हैं इसके अंदर बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी और कैरी एन, इसमें एक और हमारे पास आउटपुट आएगा। काफी है सम कैरी आउट, ये आपकी ऐसे आप लोगों को टेबल वो बन के बना के देंगे आप लोगों को पहले से, ए बी सी सम और कैरी आउट। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमने सबसे पहले काम में पॉसिबल ऑप्शंस देखने हम लोगों ने कि क्या क्या इसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं। तो कितने इनपुट्स हैं, बेसिकली तीन इनपुट हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम 2 रेज टू द पावर 3
क्योंकि 2^n करते थे ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए 2^3 क्योंकि 3 इनपुट है। अब मैं क्या करूंगा, विच इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 अलग अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, 8 को 0 और 1 में डिवाइड करना है, 4 जीरोस फिर 4 1, फिर 2 जीरोस फिर 2 1, 2 जीरोस 2 1, फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। अब तुम्हारा काम है अहमद, मुझे सम और कैरी आउट बताना है तुम्हें। यहाँ तक बना लो सर, बन गए। हाँ बताओ सम क्या आएगा सबसे पहले, 0 0 0, अगर 3 जीरोस का ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा, 0 0 होगा और 0 आ गया, 0 0 0 और 1 इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सम 1 ही आएगा, सम 1 आएगा, कैरी क्या आएगा, 0 0 0 1 0, इसका सम क्या आएगा, कैरी क्या आएगा, 1 0 ही आएगा, 1 0 ही आ जाएगा। अब 0 1 1 इसका कैरी क्या आएगा, 0 1 जीरो वन, जीरो वन आ जाएगा, क्या बात है, 1 0 0 वन जीरो ही आएगा, 1 0 ही आएगा, और 1 0 1 जीरो वन, जीरो वन आएगा, 1 1 0 जीरो वन, जीरो वन आएगा, 1 1 1 वन, सम वन आएगा, कैरी भी वन आएगा, क्यों, क्योंकि 1+1 क्या होता है बेसिकली आपका 1 और 1 आप लोग क्या दे रहा होगा, सम और कैरी में भी 1 और 1 आ रहा होगा, हमारे पास 11 बेसिकली वैल्यू आ रही होती है। अब उसी को मैं आगे ऐड करूंगा तो फिर मेरे लिए क्या बन जाएगा, 1 और 1 को ऐड करूंगा तो फिर मेरे पास फिर सेम आंसर आ जाएगा 11, सही है। अगर ऐसे याद नहीं करना है तो 3 1s को जब भी ऐड करेंगे तो हमें आंसर 11 दे देगा, 1+1 जो होता है वो हमें 10 दे रहा होता है और 10+1 जो 11 हमारा आंसर बन रहा होता है। कोई इसमें मसला ट्रुथ टेबल के अंदर, अहमद ट्रुथ टेबल के अंदर कोई मसला, नहीं सर, बेहतरीन हो गया। अब हम एक आखिरी चीज देखते हैं फिर मैं क्लास को भी एंड कर देता हूँ, और वो है लैंग्वेजेस, ग्रैब दैट, ये है आपकी फुल एडर की डायग्राम। अब तुम्हारा काम क्या है अहमद, तुम्हें हाफ एडर की डायग्राम बनानी है और फुल एडर की डायग्राम बनानी है खुद से अलग से पेपर पर। सो ये स्केल ले लो, उसके ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन के अंदर पूछता है हाफ एडर बनाना है या आपने फुल एडर बनाना है, सही है, या आप लोगों को ड्रॉ करने आने चाहिए। देख लो उसको, हाफ एडर की कम्बाइनेशन को, एक दो अलग अलग हाफ एडर है उनको कम्बाइन किया हुआ है और उनके जो आंसर्स हैं वो हम लोग ने और गेट से ऐड किए हुए कैरीज को। अभी भी सेम सिनेरियो, जो हमारा जोर गेट से आंसर निकल रहा होगा वो हमारा सम होगा और जो हमारा और गेट से निकल रहा होगा वो हमारा कैरी आउट होगा। सर आप ही बनाओ दोनों का भी, क्या चीज, टेबल, कौन सी टेबल, ये वाली, इसका भी बना लेना। हाँ तुमने अभी तक ये बनाई नहीं है, बना लिए, हो गया समझ गया। चलो मैं पीडीएफ अभी जो है अभी जितना हो चुका है उसका पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, कॉपी कर लेना अपने पास। ये जो बनाए हैं गेट्स वगैरह ये ऊपर वाले टेबल के थे ना, तो चीज ये जो अभी गेट्स आ रहे थे नीचे ये इस टेबल के थे, ये इस टेबल के, ये जो हमने टेबल बनाई है, सही, ठीक समझ गया। मतलब अगर हम लंबी करने बैठे ए और बी और सी की वैल्यूज लें 0 0 1 और फिर उसको पूरा सॉल्व करें, उससे बेहतर ये होता है कि हम लोग एडिशन सीख लें, हमें सम और कैरी की या सम और कैरी के आंसर आ गया हमारे पास, ये ज़्यादा आसान मेथड होता है। अच्छा अब मैं इसको सवाल तुम्हें दे रहा हूँ, अच्छा एक नज़र फिर से देख लो इसको,
कि हमारा कौन से गेट के ऊपर कौन सा सम निकल रहा है, कौन सा कैरी आउट निकल रहा है। सही है, फिर मैं इसका एक सवाल देता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि तुम्हें ये वाला यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई। चल, अगर पास पेपर में तुम्हें किसी और गेट से ये बना हुआ दिखे, नैंड गेट से दिखे बना हुआ, तो कंफ्यूज मत होना। सही है, ये किसी और गेट से भी बन सकता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी सिर्फ इसकी नहीं है, अजौर गेट की नहीं है, और भी अलग अलग गेट्स हैं जिनसे ये बन सकता है। सही है, यहाँ तक हो गया तुम्हारा समझ आ गया। हाफ एडर जी और फुल सर, एडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी सर, चलो अब इसका एक सवाल कर लो ताकि इसको फिर हम एंड करें क्लास का। सर यहीं तक रखते हैं ना आज, क्या चीज? यहीं तक रखते हैं। हाँ खत्म हो गया, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस एक ही सवाल कर दो मुझे। यार जाओ, वैसे एक सवाल कर लो, खत्म कर लो इसको। ये क्या कह रहा है, पी क्यू आर इनपुट है और मतलब जे, ओके के जो है वो है सम है और जे कैरी है। सबसे पहले तुमने क्या किया है, जे जो है वो हमारा कैरी है। अरे बाप रे बाप, जे कैरी हो गया और के जो हमारा सम हो गया। सही है, अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल फॉर दिस लॉजिक सर्किट। सही है, इस लॉजिक सर्किट का आपने क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है। अब मुझे सिर्फ 2 मार्क का है, 2 मार्क के लिए अगर मैं वर्किंग करने बैठूँ इसको, और हमें इसमें देखो कोई गेट्स भी तुम्हें बना के नहीं दिए, तब तुम्हें क्या करना है, हमेशा कौन सी लॉजिक अप्लाई करनी है, एडिशन वाली लॉजिक। अब मुझे जल्दी से इसका फिल करके दो, जल्दी से बताओ मुझे। 0 0 पहले वाले का 0 0 ही होगा, दोनों 0 0 हो गया, दूसरा वाले का सम 1 होगा, कैरी 0 कहाँ लिखूँ मैंने, कहाँ 0 लिखूँ। के नीचे ना 1, फिर सही है, दोबारा से K1 J0, सही है, फिर K0 J1, सही है, फिर 1 0 दोबारा से K1 J0, फिर सही है, K0 K0 J1, फिर सही है, सही K0 J1, है, फिर 1 1। इसके तो मैं 2 मार्क्स मिल गए। ले रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, स्टेट द नेम गिवन टू दिस लॉजिक फुल सर्किट, फुल फुल एडर है, फुल एडर हो गया। इसके बाद बस सवाल, खत्म, चलो हाँ फिर छुट्टी। इसके बाद ये दोस्त देख लो, लेबल जे एन के हम लोगों ने ऊपर कर दिए, लेकिन तुम लोग नीचे भी इसको लिखना है। सही है, अभी इसको छोड़ दो, इस सारे क्वेश्चन को बाद में देख लो। यहाँ तक कोई इशू? बस नहीं, बेहतरीन हो गया, ठीक है, फिर अब ओके ओके इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। शुक्रिया आने का।